Hello guys. So today we are going to start our third lesson in Core Java tutorial. So आज जो है हम लोग ये टॉपिक्स कवर करेंगे जिसके अंदर आपका जो है हम देखेंगे कि स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, और इन ब्लॉक और स्टैटिक ब्लॉक क्या होते हैं और वो कैसे काम करते हैं। और हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि किन सिनेरियोस के अंदर या किस सिचुएशन के अंदर आप स्टैटिक ब्लॉक यूज़ करेंगे, किस सिचुएशन के अंदर आप इनिट ब्लॉक यूज़ करेंगे और कब आप जो है कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ स्टैटिक एंड इनिट ब्लॉक। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैं एक क्लास बना रहा हूँ और सबसे पहले जो है हम लोग जो है स्टैटिक वेरिएबल को समझेंगे, स्टैटिक मेथड्स को और फिर इनिट ब्लॉक को और स्टैटिक ब्लॉक को। एंड पिछले लेसन के अंदर, पिछले ट्यूटोरियल के अंदर मैंने आपको समझाया था कि इंस्टांस मेथड क्या होते हैं और इंस्टांस वेरिएबल्स क्या होते हैं। ओके, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जो है प्लीज इससे पहले वाला जो आपका लेसन टू वाला वीडियो है आप उसको एक बार रेफर कर सकते हैं, देख सकते हैं। सो स्टैटिक सो हेयर इज माई क्लास जिसका नाम मैंने रखा है स्टैटिक टेस्ट। इसके अंदर मैं एक मेन मेथड बनाऊंगा। सो ये है मेरा मेन मेथड। ओके, सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू लुक एट स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेथड्स के बारे में। ठीक है, सो जैसा कि हम लोगों ने जो है लास्ट क्लास के अंदर देखा था, अगर आपको इंस्टांस मेथड बनाना है तो आप सिंपल कर सकते हैं इंस्टांस एक्स दिस। तो ये आपका एक्स जो है इंस्टांस मेथड, इंस्टांस वेरिएबल बन गया। ठीक है, अगर आपको इंस्टांस वेरिएबल बनाना है तो आप जो है सिंपली वेरिएबल का नाम लिखिए और उसका जो है वेरिएबल का टाइप लिखिए। ठीक है, जिससे कि ये इंस्टांस वेरिएबल बन जाता है। अगर आप इस वेरिएबल के आगे स्टैटिक कीवर्ड लगा दें तो ये वेरिएबल एक स्टैटिक वेरिएबल बन जाता है। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं। ठीक है, स्टैटिक वेरिएबल्स को हम लोग क्लास वेरिएबल्स भी कहते हैं। क्लास वेरिएबल्स क्यों कहते हैं वो अभी हम लोग को दिखाई देगा और हम लोग समझेंगे कि उसको क्यों कहते हैं स्टैटिक वेरिएबल। सो अभी के लिए जो है आप इतना समझ लीजिए कि स्टैटिक कीवर्ड का हमें यूज़ करना है जब हम किसी वेरिएबल को या किसी मेथड को जो है स्टैटिक बनाना चाहते हैं। ओके, सो हमें स्टैटिक कीवर्ड का यूज़ करना है। स्टैटिक चीज़ों को यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये इसका जो है मेन फीचर है। जैसे कि हमने अपनी लास्ट क्लास के अंदर देखा था कि इंस्टांस मेथड या इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज करने के लिए हमें हमेशा ऑब्जेक्ट का यूज करना पड़ता है। अगर आप इंस्टांस मेथड को कॉल करना चाहते हैं तो आपको ऑब्जेक्ट के ऊपर या इंस्टांस के ऊपर ही कॉल करना पड़ेगा। अगर आप इंस्टांस वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो आपको इंस्टांस बनाना पड़ेगा, इंस्टांस वेरिएबल इंस्टांस के ऊपर ही आप जो है इंस्टांस के साथ ही आप जो है इंस्टांस वेरिएबल्स को यूज कर सकते हैं। और इसका रीजन जो है मुझे लगता है आप सभी को पता होगा, क्योंकि इंस्टांस वेरिएबल्स क्रिएटेड तब होते हैं जब आपका इंस्टांस क्रिएट होता है या जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ओके, सो सिमिलरली यहाँ पे हम लोग आज जो है स्टैटिक के बारे में जानेंगे और इसको स्टैटिक को समझने की कोशिश करेंगे कि स्टैटिक क्या चीज है। ओके,
सो जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्टैटिक वेरिएबल्स को यूज़ करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं या डायरेक्टली आप उसको क्लास नेम से यूज़ कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। सो इस केस में क्योंकि मेरी क्लास है जिसका नाम है स्टैटिक टेस्ट, ठीक है, यहाँ पे एक स्टैटिक वेरिएबल है और हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया हुआ है जिसका नाम है मेन और जो खुद ही स्टैटिक है, तो इस मेथड के अंदर अगर मुझे इस एक्स को यूज़ करना है तो मुझे उसके लिए स्टैटिक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकता हूँ जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइक दिस। सो देखिए मैंने यहाँ पे एक्स प्लस प्लस किया और मुझे यहाँ पे कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं आ रही है। सो इसका मतलब है कि मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। ओके, सिमिलरली क्योंकि आपका मेन मेथड इस स्टैटिक क्लास के अंदर है जहाँ पे आपका जो है स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर है, इसलिए आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर पा रहे हैं। और ये कॉन्सेप्ट उसी तरीके से है जैसे हमने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था कि स्टैटिक मेथड के अंदर आप स्टैटिक वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर पा रहे थे, ठीक है। बट अगर जो है दूसरी क्लास है कोई अगर आपके पास ओके और अगर आप इस क्लास के अंदर जो है इस क्लास के अंदर अगर आप इस एक्स वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो आपको इस क्लास के थ्रू जिस क्लास के अंदर आपका एक्स वेरिएबल डिक्लेयर है उसके थ्रू आपको इसको एक्सेस करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, ओके सो देखिए यहाँ पे जैसे इस फो वन क्लास के अंदर मेरा एक मेथड है कॉल, इस कॉल मेथड के अंदर अगर जो मैं है अगर मैं इस एक्स वेरिएबल को यूज करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्लास के नेम के थ्रू इसको यूज करना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्स प्लस प्लस कर दूंगा राइट, से सपोज जैसे यहाँ पे देखिए अगर मैं इसको एक्स प्लस प्लस करता हूँ तो देखिए ये मेरा कंपाइल टाइम एरर आ रहा है और कंपाइल टाइम एरर क्या बोल रहा है, कैन नॉट बी रिजॉल्व टू ए वेरिएबल, जिसका मतलब क्या है आपका कंपाइलर आपको एरर दे रहा है कि एक्स नाम से कोई वेरिएबल इस फोन क्लास के अंदर अवेलेबल नहीं है, वो फोन क्लास के अंदर कोई एक्स नाम से वेरिएबल देख नहीं पा रहा है, उसको रिजॉल्व नहीं कर पा रहा है, ठीक है। सो अगर आप इस क्लास के अंदर जो दूसरी क्लास के अंदर किसी दूसरी क्लास के अंदर एक वेरिएबल है जो स्टैटिक डिक्लेयर है अगर आप उसको यूज करना चाहते हैं तो आपको क्लास नेम से यूज करना पड़ेगा। स्टैटिक टेस्ट डॉट फो, ठीक है, देखिए अब मैं इसको यूज कर पा रहा हूं। सो जो कहने का मेरा यहां पे मतलब है वो ये है कि स्टैटिक वेरिएबल्स को या स्टैटिक मेथड्स को आप डायरेक्टली क्लास नेम के थ्रू यूज कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली इसको क्लास नेम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं आउटसाइड द क्लास। बट विद इन द सेम क्लास मीन्स अगर आपको ये क्लास है देखिए टेस्ट क्लास, इस क्लास के अंदर आप डायरेक्टली उसको यूज कर सकते हैं चाहे वो आपका स्टैटिक मेथड हो, बट अगर इसी क्लास के अंदर जो है अगर आपका कोई जो है इंस्टांस मेथड भी अगर है तो इस क्लास के अंदर भी आप इसको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं राइट। सो स्टैटिक वेरिएबल्स को विद इन द क्लास डायरेक्टली स्टैटिक मेथड्स के अंदर भी यूज किया जा सकता है और इंस्टांस मेथड के अंदर भी यूज किया जा सकता है ओके और आउटसाइड द क्लास अगर आपको स्टैटिक मेंबर्स को स्टैटिक वेरिएबल्स को किसी क्लास के यूज करना है तो आपको क्लास का नेम देना पड़ता है। अगर आप क्लास का नेम नहीं देंगे तो मेरे पास बहुत सारी क्लासेस हो सकती हैं, आप देखिए जिसके अंदर एक्स नेम से वेरिएबल डिक्लेयर हो सकता है, मेरे पास एक और क्लास से सपोज यहाँ पे एक और क्लास है क्लास टेस्ट वन,
ओके स्टैटिक एक्स ओके। अब अगर मैं यहाँ पे सिर्फ एस प्लस प्लस कर दूंगा तो आपके जेवीएम को या आपके कंपाइलर को पता चलेगा क्या, कैसे पता चलेगा कि ये एक्स का मतलब कौन सा वाला एक्स, दिस एक्स और दिस एक्स, कंफ्यूजन हो जाएगी। सो ये कंफ्यूजन को रिजॉल्व करने के लिए वो कहते हैं कि अगर आप क्लास के बाहर किसी स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर रहे हैं तो आपको उसको क्लास के नाम के साथ यूज करना पड़ेगा, राइट। सो अगर मैं यहाँ पे इस स्टैटिक टेस्ट क्लास के एक्स को यूज करना चाहता हूं तो मुझे यहाँ पे स्टैटिक टेस्ट डॉट करना पड़ेगा, बट अगर मैं जो है टेस्ट वन क्लास के एक्स को यूज करना चाहता हूं तो मैं यहाँ पे टेस्ट वन कर दूंगा, ठीक है। सो स्टैटिक वेरिएबल स्टैटिक मेथड्स को आप डायरेक्टली जो है क्लास नेम के थ्रू यूज कर सकते हैं, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, ओके। स्टैटिक वेरिएबल को या स्टैटिक मेथड्स को अगेन आप जो है विद इन द क्लास डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ओके सो देयर यू गो। अब हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं और समझते हैं एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सो यहाँ पे देखिए स्टैटिक टेस्ट क्लास के अंदर एक स्टैटिक वेरिएबल है इंटीजर, मैं इसके अंदर एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंटीजर वाई, एक और वेरिएबल क्रिएट करता हूँ इंटीजर जेड, राइट। सो आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर दो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, ओके और एक स्टैटिक वेरिएबल है, ओके। नाउ इंटरव्यूज का एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ओके जो बहुत बार इंटरव्यूज में पूछा जाता है वो ये है, आपसे इंटरव्यू पूछता है कि आप बताइए स्टैटिक वेरिएबल कब क्रिएट होते हैं और इंस्टांस वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं किसी भी प्रोग्राम के अंदर। तो अभी हम इस चीज को समझेंगे या इस चीज को देखेंगे, ओके। सो इस चीज को समझने के लिए हम फिर से जो है वही डायग्राम बनाएंगे जो हम लोगों ने अपनी पहली क्लास से दूसरी क्लास में बनाया था और समझा था कि जावा किसी प्रोग्राम को कैसे रन करता है, कैसे एग्जीक्यूट करता है, ओके। सो चलिए इस प्रोग्राम को रन करते हैं। मुझे अपना लेट मी स्टार्ट माय डिजिटल पेन, ओके। सो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा जावा जावा स्टैटिक टेस्ट। जब आप ये कमांड अपने कमांड प्रॉम्प्ट में रन करेंगे तो क्या होगा, ड्यू टू दिस जावा कमांड, ठीक है, आपका जो है जेवीएम इनिशियलाइज होगा, आपका जेवीएम स्टार्ट होगा, ओके। सो क्या होगा जब JVM स्टार्ट होगा तो आपका JVM एक स्टैक क्रिएट करेगा मेन थ्रेड के लिए, एक हिप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा जहां पे आपका कॉमन इंफॉर्मेशन सारे थ्रेड्स के लिए स्टोर होंगी, ओके। ये होने के बाद आपका JVM सबसे पहले क्या करेगा, वो इस क्लास को लोड करेगा। क्यों इस क्लास को लोड करेगा, क्योंकि आपने लिखा है जावा स्टैटिक टेस्ट। सो आपका JVM सबसे पहले सर्च करेगा कि स्टैटिक टेस्ट नाम से कोई डॉट क्लास फाइल है या नहीं, अगर उसको कोई क्लास फाइल मिलती है तो वो उस क्लास का जो बाइट कोड है उसको मेथड एरिया के अंदर लोड करेगा, राइट। नाउ से सपोज दिस इज द प्लेस जहां पर जो है आपके JVM ने
स्टैटिक टेस्ट क्लास का जितना भी बाइटकोड है वो लोड किया है। ओके, इस एरिया के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं हम आगे क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, किसके अंदर मेथड टेबल बनती है, मेथड टेबल कैसे क्रिएट होता है, वो सारी चीजें। बट अभी के लिए आप इतना समझ लीजिए कि स्टैटिक क्लास का जितना भी बाइट कोड है, स्टैटिक टेस्ट क्लास का जितना भी बाइट कोड है वो यहाँ पर लोड हो गया। ठीक है, अब क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप जो आपका JVM करता है वो ये है कि आपका JVM जब भी किसी क्लास को फर्स्ट टाइम लोड करता है वो उसी टाइम उस क्लास के अंदर सर्च करता है कि क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है। अगर उसको उस क्लास के अंदर कोई भी स्टैटिक वेरिएबल मिलता है तो वो उसको उसी टाइम पर इनिशियलाइज करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिए। जब भी कोई क्लास फर्स्ट टाइम JVM के अंदर लोड होती है तो JVM उस क्लास के अंदर स्कैन करता है कि क्या इस क्लास के अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है। अगर उसको एक भी स्टैटिक वेरिएबल मिलता है तो वो उस स्टैटिक वेरिएबल को उसी टाइम इनिशियलाइज करता है। सो इस क्लास के अंदर टेस्ट क्लास को लोड करने के बाद आपका JVM इस क्लास के अंदर सर्च करेगा क्या इसके अंदर कोई स्टैटिक वेरिएबल है। सो देखिए यहाँ पर एक स्टैटिक वेरिएबल डिक्लेयर है, तो आपका JVM क्या करेगा, इस स्टैटिक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देगा। राइट, नाउ अनदर क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन यह है कि इंटरव्यूज में आपको बहुत बार क्वेश्चन मिलेगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स कहाँ पर क्रिएट होते हैं, उनके लिए मेमोरी एलोकेट कहाँ पर होती है। जैसे हमने बताया था कि इंस्टांस वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं, इंस्टांस वेरिएबल के लिए मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है, आपको पता है हीप के अंदर मेमोरी एलोकेट होती है। कहाँ पर ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते हैं, हीप के अंदर ऑब्जेक्ट क्रिएट होते हैं। उसी तरीके से स्टैटिक वेरिएबल्स के लिए मेमोरी कहाँ एलोकेट होती है। ओके, सो पहला क्वेश्चन का आंसर तो आपको आई होप मिल गया होगा कि स्टैटिक वेरिएबल्स कब इनिशियलाइज होते हैं या कब क्रिएट होते हैं। कब क्रिएट होते हैं, जब आपकी क्लास फर्स्ट टाइम JVM के अंदर लोड होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है वो उनको मेमोरी कहाँ पे एलोकेट होती है। ठीक है दोस्तों, सो अगर आपका जो स्टैटिक वेरिएबल है वो प्रिमिटिव टाइप है, प्रिमिटिव टाइप मीन्स इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर बुलियन, जो बेसिक बिल्डिंग बेसिक डेटा टाइप है, अगर उस टाइप का है तो उसके लिए जो मेमोरी एलोकेट होती है वो मैथड एरिया के अंदर होती है। ठीक है, अब मैथड एरिया के अंदर जो है कहाँ पर होती है ये JVM टू JVM डिपेंड करता है, जो JVM इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर बेसिकली वो होता है। सो आपको समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। से सपोज ये जो आपका क्लास जहाँ पर लोड हुई है स्टैटिक टेस्ट क्लास, उसके अंदर ही आपका JVM एक 4 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा जिसका नाम वो रखेगा X। ओके, और उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा 0। ठीक है, उसको डिफॉल्ट वैल्यू से इनिशियलाइज कर देगा जो कि आपका 0। सो ये हो गया पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया आपको, कब क्रिएट होता है, जब फर्स्ट टाइम कोई क्लास स्टैटिक वेरिएबल्स कब इनिशियलाइज होते हैं, जब आपकी क्लास फर्स्ट टाइम JVM के अंदर लोड होती है और स्टैटिक वेरिएबल सिर्फ और सिर्फ एक ही बार क्रिएट होते हैं और एक ही बार इनिशियलाइज होते हैं। और कब होते हैं, जब आपकी क्लास पहली फर्स्ट टाइम JVM के अंदर लोड होती है। ओके, अब इसके अंदर और कोई स्टैटिक वेरिएबल नहीं है तो आपका JVM कुछ नहीं करेगा और वो नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। नेक्स्ट स्टेप क्या है, आपका JVM इस क्लास के अंदर जो अभी लोड हुई है, जो आपने एज ए पैरामीटर पास किया था जावा कमांड को, उसके अंदर सर्च करेगा क्या कोई मेथड है जिसका नाम मेन है और जो स्ट्रिंग टाइप एरे आर्गुमेंट लेता है, जो पब्लिक है और जो स्टैटिक है। तो इसके अंदर सर्च करेगा, वो देखेगा हाँ इसके अंदर एक ऐसा मेथड है, तो वो क्या करेगा उस मेथड को कॉल कर देगा। सो अभी जब वो उस मेथड को कॉल करेगा तो क्या होगा, आपका मेन मेथड स्टैक के अंदर आ जाएगा। ओके, सो आपका जब JVM ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा तो इस तरीके से कुछ JVM के अंदर
एग्जीक्यूशन हो रही होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाइए। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने क्या किया, नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपने किया x प्लस प्लस विच इज इक्विवेलेंट टू x इक्वल टू x प्लस वन। ओके, अब देखिए ये जो x है, इस जो आपका मेन मेथड है, इस मेथड के अंदर कोई लोकल वेरिएबल तो डिक्लेयर नहीं है x नाम से। ओके, कोई इंस्टांस वेरिएबल भी नहीं है x नाम से, बट स्टैटिक वेरिएबल है। तो आपका JVM को ये किस पता चल जाएगी कि ये किसी स्टैटिक मेथड के अंदर, क्योंकि इसको डायरेक्टली यूज किया गया है विद इन द क्लास, सो वो स्टैटिक वेरिएबल को यूज किया जा रहा है, उसको यूज करेगा और उसकी वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा बाय वन। ठीक है, सो जहां पर वन है, जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो क्या होगा, ये एक्स वेरिएबल जहां पे जीरो था वहां से जीरो हट जाएगा और वहां पे अब क्या हो जाएगा, वन। ठीक है, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ऐसा आपके JVM के अंदर होगा। सो इस प्रोग्राम के थ्रू मैं आपको सिर्फ इतना बताना चाह रहा था कि स्टैटिक वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं, जब आपकी क्लास फर्स्ट टाइम JVM के अंदर लोड होती है, कहां पे क्रिएट होते हैं, अगर वो प्रिमिटिव टाइप है तो वो कहां पे क्रिएट होगा, वो आपका क्रिएट होगा मेथड एरिया के अंदर। ओके, अगर वो ऑब्जेक्ट टाइप है तो एक दूसरा सिनेरियो बनता है, जो भी मैं आपको आपके साथ डिस्कस करूंगा थोड़ी देर के अंदर। ठीक है, अब यहां पे आपने एक और चीज नोटिस किया होगा कि ये जो इंस्टांस वेरिएबल्स हैं y एंड z, ये कहीं पे अभी तक क्रिएट नहीं हुए। ठीक है, क्यों क्रिएट नहीं हुए, क्योंकि अभी तक हमने कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किया है स्टैटिक टेस्ट क्लास का। और हमने अपनी लास्ट क्लास में ये देखा था कि स्टैटिक वेरिएबल्स तभी क्रिएट होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, कोई इंस्टांस क्रिएट होता है, और स्टैटिक वेरिएबल्स इंस्टांस वेरिएबल्स तभी क्रिएट होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट या इंस्टांस क्रिएट होता है, और वो हमेशा हीप में क्रिएट होते हैं। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जो है आप ध्यान में रखिएगा। ओके, सो ये आपका इंस्टांस वेरिएबल्स कोई भी क्रिएट नहीं हुए। ओके, अब आप में से कई लोगों के दिमाग में जो है ये क्वेश्चन बहुत बार आया होगा कि हम इस मेन मेथड के अंदर इस टेस्ट क्लास के एक्स को तो डायरेक्टली यूज कर पाते हैं, बट हम इस वाई और जेड को क्यों नहीं यूज कर सकते हैं। ओके, यहां पर हम y प्लस प्लस वन सेकेंड, y प्लस प्लस या z प्लस प्लस क्यों नहीं कर पाते हैं। हम यहां पे जेड प्लस प्लस क्यों नहीं कर पाते हैं, ये दो वेरिएबल्स को हम यहां पे मेन मेथड के अंदर यूज क्यों नहीं कर पाते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि ऐसा हम क्यों नहीं कर पाते हैं, और हमें एक्चुअली ऐसा नहीं कर सकते हैं। आपको डायग्राम देख के समझ में आ रहा होगा क्यों नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि जब ये मेन मेथड कॉल हुआ है, एक्चुअली एक्स तो क्रिएट हुआ है, क्यों, क्योंकि एक्स आपका स्टैटिक है। बट अगर आप ध्यान दें तो इस पूरे डायग्राम के अंदर अभी तक वाई और जेड क्रिएट नहीं हुआ। क्यों वाई और जेड क्रिएट नहीं हुआ, क्योंकि वाई और जेड
आपके इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, और इंस्टांस वेरिएबल्स तभी क्रिएट होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अगर आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हुआ तो आपके इंस्टांस वेरिएबल क्रिएट नहीं होंगे। जब वाई क्रिएट ही नहीं हुआ, वाई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो आपका जेवीएम वाई प्लस प्लस या वाई को यूज कैसे कर पाएगा, राइट? वाई तो है ही नहीं कहीं पे। सो इन शॉर्ट ये एक रूल है जावा का कि आप क्लास के अंदर कहीं पर भी स्टैटिक वेरिएबल्स को तो यूज कर सकते हैं, बट इंस्टांस वेरिएबल्स को आप स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं, ओके? बट आप स्टैटिक वेरिएबल्स को इंस्टांस मेथड के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट क्लास के अंदर अगर कोई स्टैटिक मेथड है तो आप उसके अंदर उस इंस्टांस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, आप ऐसा सिचुएशन हो सकता है आपके सामने कि स्टैटिक मेथड कॉल हो बट उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो। जब उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ होगा। अगर वो वेरिएबल क्रिएट नहीं है तो वो वाई प्लस प्लस कहाँ से होगा? दोनों चीज़ें पॉसिबल नहीं है, राइट? बट आप इंस्टांस मेथड को डायरेक्टली इंस्टांस वेरिएबल्स को आप डायरेक्टली इंस्टांस मेथड के अंदर यूज कर पाते हैं। क्यों है ऐसा? आपको बहुत समझ में आ गया होगा, वो तो बहुत ही लॉजिकल है। और लॉजिकल इसलिए है, void को, ओके, इसके अंदर हम डायरेक्टली y++ कर सकते हैं। बट यहां पे देखिए, मैं एक बार आपको करके भी दिखा देता हूं। यहां पे आप ये नहीं कर सकते। अगर आप यहां पे करेंगे तो आपको देखिए कंपाइल टाइम पे एरर आएगी, और कंपाइल टाइम पे जो एरर है उसका क्या नाम है, एरर है कैन नॉट मेक ए स्टैटिक रेफरेंस टू द नॉन स्टैटिक फील्ड y, और ये एरर आपको बता रहा है कि y जो है हमारा एक नॉन स्टैटिक फील्ड है जिसका हम रेफरेंस यहाँ पर नहीं बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका नॉन स्टैटिक फील्ड होने के कारण आप इसको जो है इसे एक स्टैटिक मेथड के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट आप इस इंस्टांस मेथड को, इंस्टांस वेरिएबल्स को इंस्टांस मेथड के अंदर डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बताइए क्यों? क्योंकि आप देखिए, ये जो इंस्टांस मेथड है इसको आप सिर्फ और सिर्फ कैसे यूज करेंगे? अगर आपको इसको कॉल करना है तो कैसे कॉल करेंगे? देयर इज ओनली वन वे, और वो क्या तरीका है कि आपको स्टैटिक टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही आप इस फू मेथड को कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको कॉल नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये तो गारंटेड है ना कि ऑब्जेक्ट बनेगा इस मेथड को कॉल करने के लिए। अब अगर ऑब्जेक्ट बना होगा तो वाई भी क्रिएट हुआ होगा, राइट? सो अगर वाई क्रिएट है तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ये रीजन है कि आप जो है, आपको एक परमिशन दिया गया है कि इंस्टांस मेथड के अंदर जो है आप इंस्टांस वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, बट स्टैटिक के अंदर यूज नहीं कर सकते हैं। रीजन क्या है? जैसा मैंने भी आपको बताया है कि हो सकता है आपका स्टैटिक मेथड कॉल किया गया हो, बट जिस क्लास के इंस्टांस वेरिएबल को आप यूज करने की कोशिश कर रहे हो सकता है वो इंस्टांस कभी क्रिएट ही ना हुआ हो। तो इसलिए जावा के अंदर ये रूल बना दिया गया है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन जो भी हमने डिस्कस किया, कि इंस्टांस मेथड्स के अंदर आप सब कुछ यूज कर सकते हैं। आप स्टैटिक वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं, इंस्टांस वेरिएबल्स को भी यूज कर सकते हैं, बट स्टैटिक मेथड के अंदर आप इंस्टांस ना तो वेरिएबल्स को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, ना तो आप इंस्टांस मेथड्स को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। कहने का क्या मतलब है कि आप देखिए, ये स्टैटिक मेथड है, आपका मेन स्टैटिक मेथड है, और ये किसी भी स्टैटिक मेथड के लिए एप्लीकेबल होगा। ऐसा नहीं किसी भी मेन के लिए है। अगर यहाँ पे कोई जो है दूसरा मेथड होता तो उसके लिए भी जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ वो सेम रहेगा। मैं यहाँ पे ना तो डायरेक्टली वाई वाई को कॉल कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, ना तो मैं इस मेथड के अंदर से
फो मेथड को कॉल कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि दोनों ही आपका इंस्टांस स्कोप के अंदर है, आपका वाई जेड भी इंस्टांस स्कोप के अंदर है और आपका फो मेथड भी इंस्टांस स्कोप के अंदर है, ठीक है। सो इस तरीके से ये आपका रूल है, आप डायरेक्टली इसको यूज नहीं कर सकते हैं। क्लास के अंदर आप डायरेक्टली किसी भी स्टैटिक मेथड के अंदर, ओके, स्टैटिक मेथड के अंदर इंस्टांस स्कोप की किसी भी चीज को, चाहे वो इंस्टांस वेरिएबल हो चाहे इंस्टांस मेथड, उसको आप यूज नहीं कर सकते हैं। बट आप ऑब्जेक्ट बना करके आप क्लास के या किसी भी क्लास के इंस्टांस वेरिएबल्स को या इंस्टांस मेथड को यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, राइट। बट डायरेक्ट यूज करना और ऑब्जेक्ट बना के यूज करना इज कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, ठीक है। डिफरेंस क्या है, अभी देखिए मैं आपको दिखाता हूं। देखिए मैंने एक T1 ऑब्जेक्ट बनाया, इस T1 ऑब्जेक्ट के ऊपर मैं फू मेथड को कॉल कर सकता हूं, ओके, फू मेथड को कॉल कर दिया मैंने, आप ही कर सकते हैं। बट दिस इज, इसको हम डायरेक्ट यूज नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं हमने एक ऑब्जेक्ट बना करके फू मेथड को यूज किया है, ठीक है, या ऑब्जेक्ट बना करके हमने वेरिएबल को यूज किया है, राइट। सो यहां पे आप देखिए वाई, अगर आप मैं लिखता हूं तो मुझे पता है ये वाई किसका है, T1 का है। सो दिस इज यूजिंग इंस्टांस वेरिएबल ऑन ऑब्जेक्ट। बट यहां पे देखिए अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा वाई है, मुझे नहीं पता ये कौन सा वाई है, बट एक चीज पता है वो ये है कि ये उस ऑब्जेक्ट का वाई है जो इस फू मेथड को कॉल करेगा, ठीक है। सो ये डिफरेंस है आपका, डायरेक्टली किसी वेरिएबल को यूज करना या ऑब्जेक्ट बना के किसी वेरिएबल को यूज करना, ठीक है। तो आप जब बुक्स वगैरह पढ़ेंगे या कोई नेट पर कोई ट्यूटोरियल पढ़ेंगे तो आपको ये बहुत बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन हो जाती है कि डायरेक्ट यूज या ऑब्जेक्ट के थ्रू यूज में क्या डिफरेंस है। तो जो मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया इसको ध्यान में रखिएगा, ओके, ठीक है। अब हम जो है अपना टॉपिक पे आएंगे वापस से, जो कि हमारा क्या टॉपिक था, स्टैटिक वेरिएबल्स। सो अभी मैंने हमने देख लिया कि स्टैटिक वेरिएबल्स कब कैसे क्रिएट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ही मैं एक छोटा सा और चेंज करता हूँ इस प्रोग्राम के अंदर। नाउ से सपोज मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे स्टैटिक टेस्ट का, ओके, और ठीक है, अब देखते हैं क्या होगा। अब मैं वापस से इस प्रोग्राम को रन करता हूँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि स्टैटिक वेरिएबल्स कब क्रिएट होते हैं, कैसे क्रिएट होते हैं, और इंस्टांस वेरिएबल कब और कैसे क्रिएट होते हैं, ओके। सो इस चीज को समझने के लिए हम फिर से जो है इस प्रोग्राम को जो है स्टेप बाय स्टेप रन करेंगे और फिर देखेंगे, समझते हैं कैसे JVM इसको एग्जीक्यूट करेगा। सो अगेन इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आप लिखेंगे जावा स्टैटिक टेस्ट। सो जैसे ही आपका जो है आप एंटर प्रेस करेंगे आपका JVM का एक इंस्टांस क्रिएट होगा, और जब JVM का इंस्टांस क्रिएट होगा तो वो क्या करेगा, वो एक स्टैक क्रिएट करेगा, एक हीप क्रिएट करेगा और एक मेथड एरिया क्रिएट करेगा, राइट। इसके बाद क्या होगा, मुझे मेथड का नेम चेंज करना पड़ेगा, आई एम सॉरी, ठीक है। आपका JVM जो है अभी जो है ये इस क्रिएट करने के बाद, हीप क्रिएट करने के बाद, स्टैक और मेथड एरिया क्रिएट करने के बाद
वो क्या करेगा, इस स्टैटिक टेस्ट क्लास को लोड करेगा। सो स्टैटिक टेस्ट क्लास को उसने लोड कर लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब भी कोई क्लास लोड होती है तो आपका JVM सबसे पहले ये चेक करता है कि उस क्लास के अंदर क्या कोई स्टैटिक वेरिएबल है। अगर कोई स्टैटिक वेरिएबल है तो वो उसको उसी टाइम इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है, और क्रिएट कर देता है। सो इस केस में हमारे पास इस क्लास के अंदर क्योंकि एक स्टैटिक वेरिएबल है x, सो स्टैटिक वेरिएबल मेथड एरिया के अंदर क्रिएट होगा, ठीक है, अगर वो प्रिमिटिव टाइप है और स्टैटिक वेरिएबल है। सो इसको जो है डिफॉल्ट वैल्यू मिल जाएगी 0। इसके बाद क्या होगा, आपका JVM जो है स्टैटिक टेस्ट क्लास के मेन मेथड को कॉल करेगा। सो आपका स्टैक के अंदर एक मेथड फ्रेम आएगा, ठीक है, एक मेथड फ्रेम आ जाएगा और वो मेथड फ्रेम जो है आपका मेन मेथड का होगा। मेन मेथड का स्टैक फ्रेम आ गया आपका, स्टैक के अंदर पहली स्टेटमेंट आपकी एग्जीक्यूट हो गई। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आइए, आपने क्या किया x प्लस प्लस। सो आपकी जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी सो क्या तब क्या होगा, x क्योंकि स्टैटिक वेरिएबल है सो आपका JVM यहाँ पे जाएगा और इस 0 को हटा देगा और यहाँ पे क्या कर देगा, 1, बिकॉज 0 प्लस 1 इज 1, ओके। सो दिस इज हाउ योर स्टैटिक वेरिएबल्स गेट क्रिएटेड इन योर JVM एंड इनिशियलाइज तरीके से होता है। अब देखिए यहाँ पर हम इस स्टेटमेंट को कई बार जो है देख चुके हैं। सो बिकॉज ऑफ दिस न्यू स्टैटिक क्या होगा, आपके हीप के अंदर एक मेमोरी एलोकेट होगी और ये मेमोरी किस टाइप की होगी, स्टैटिक टेस्ट टाइप की होगी। स्टैटिक टेस्ट टाइप की मेमोरी एलोकेट करने के लिए आपका JVM देखेगा स्टैटिक टेस्ट के अंदर कितने इंस्टांस वेरिएबल्स हैं। सो आप देखिए 2 इंस्टांस वेरिएबल्स हैं, सो वो इसके अंदर 8 बाइट की मेमोरी एलोकेट करेगा और एक का नाम रखेगा वाई और एक का नाम रखेगा जेड, ओके। और क्योंकि इंटीजर टाइप है तो इनको डिफॉल्ट वैल्यू 00 इनिशियलाइज कर देगा। सो न्यू जो आपका ऑपरेटर है उसका पहला काम मेमोरी इनिशियलाइज करना है और सेकंड काम जो है वो क्या है कि इस मेमोरी का जो रेफरेंस है वो रिटर्न करता है। वो रिटर्न उसने जो किया है वो उसको हमने जो है इस T1 रेफरेंस के अंदर स्टोर किया है और ये T1 रेफरेंस कहाँ क्रिएट होगा, आपका स्टैक के अंदर क्रिएट होगा, राइट। सो यहाँ पर एक रेफरेंस क्रिएट होगा T1 और इस रेफरेंस के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, आपने क्या स्टोर करवाया है, न्यू ऑपरेटर ने जो भी रिटर्न किया है। सो न्यू ऑपरेटर ने से सपोज एक रेफरेंस रिटर्न किया जो है आपका 1 1 1, ओके। दैट मीन्स आपका ये जो T1 रेफरेंस है वो इस ऑब्जेक्ट को हीप में पॉइंट करेगा, ठीक है। सो आपका जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो आपका JVM में इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ आपको दिखाई देगा। इसका क्या मतलब हुआ, जो मैंने आपको समझाया था, देखिए अब भी आप देख सकते हैं, इसका मतलब ये है कि इंस्टांस वेरिएबल्स को मेमोरी एलोकेट या इंस्टांस वेरिएबल्स तभी क्रिएट होते हैं जब आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, पहली चीज। दूसरा, कहाँ पे क्रिएट होते हैं, हीप के अंदर क्रिएट होते हैं, ठीक है, ओके। सो दोस्तों ये है आपका स्टैटिक वेरिएबल्स और स्टैटिक मेथड्स, ठीक है, ये आपको समझना काफ़ी ज़रूरी है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इंटरव्यूज़ के अंदर आपको जो है इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग बढ़ते हैं।